ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜੁਗ ਵਿਵਹਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਦਾ ਰਸ ਪੀਵੈ ਕੋਏ, ਜਰਾ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਛੱਡ ਖੱਟ ਚਕਰ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਤਾਏ, ਖੱਟ ਚਕਰ ਛਹੂੰ ਦਿਸ ਤਾਏ, ਬਿਨ ਪਰ ਚੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾ ਰਹਾਏ, ਡੁਬਦਾ ਮੇਟ ਖਿਮਾ ਗੈ ਰਹੋ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸੂਲ ਨਾ ਸਹੋ, ਸਾਤੈ ਸਤ ਕਰ ਵਾਚਾ ਜਾਣ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਲਿਹੋ ਪਰਵਾਣ, ਟੂਟੈ ਸੰਸਾ ਮਿਟ ਜਾਹੇ ਦੁੱਖ, ਪੁੰਨ ਸਰੋਵਰ ਪਾਵੋ ਸੁਖ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਤਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਤਾਮੈ ਫੁੱਲ ਮਹਾਨਿਦਰਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਮ ਗਿਆਨ ਪੁਤਾਵੈ ਭੇਦ, ਉਲਟਾ ਰਹੇ ਅਭੰਗ ਅਛੇਦ, ਨੌਮੀ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੋ ਸਾਧ, ਮੈਦੀ ਮਨਸਾ ਰਾਖੋ ਬਾਂਧ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਵਿਸਰ ਜਾਹ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਹ, ਦਸਮੀ ਦੈ ਦਿਸ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਛੂਟੈ ਪਰਮ ਮਿਲੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਅਨੂਪ, ਅਮਲ ਨਾ ਮਲ ਨਾ ਛਾ ਨਹੀਂ ਧੂਪ, ਦਸਵੀਂ ਦੈ ਦਿਸ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਛੂਟੈ ਪਰਮ ਮਿਲੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਅਨੂਪ, ਅਮਲ ਨਾ ਮਲ ਛਾ ਨਹੀਂ ਧੂਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਰਮ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੇ ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮੇ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਗੁਰੂ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੋ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਮਨ ਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੇ ਕਰਮ ਕੋ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਸੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਮ ਕੋ ਧਿਆਨ ਮੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਿਹਰ ਜੋ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇ ਭੇਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇ ਭੇਦ ਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਕੇ ਮਾਰਗ ਪਰ ਚਲਾਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਪਰ ਚਲਨੇ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਮੇ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਲਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਮੇ ਹਮੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਯੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਕੇ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਮਹੀਨੋ ਕੋ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਯੇ ਕੈਸੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਖੀਰ ਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਹਰਤ ਪਲੇ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾ ਪਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕੀ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
बुरा नहीं होने देते, सब सुख का दाता है, सब सुख देने वाला है, फिर वहां पर दुख आता ही नहीं है। और फिर महादेव जो होते हैं उनका कोई विचार ही नहीं रहता, हमेशा ही हर पल जब आत्मा परमपिता परमात्मा से जुड़ी रहती है तो हर पल परमपिता परमात्मा हमारा सहाय होता है, हमारे कार्यों की, हमारे दुख भूख की सब उसको चिंता होती है, वो कभी दुख होने नहीं देता अपने प्यारे को। तो इस तरह से ये कबीर साहिब गौड़ी सिद्धि में यही बात बता रहे हैं कि भाई चित्ते जो विचार करते हैं ना परमात्मा को भूल करके चित्तों का विचार करते रहते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके व्रत रखते हैं, उनका ऐसे रखते हैं, तो भाई ये उनके लिए ही कष्टदायी होती है, वो अपने कर्म का फल भोगते हैं। वास्तव में उनको कर्म का ये फल मिलता है कि परमात्मा को भूल जाने के कर्म का फल मिलता है। भ्रम में भटक करके परमात्मा को छोड़ देना ही दोष है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं भाई चित्तों का ख्याल नहीं रखना, और चित्तों में अगर जो काम करना है तो ऐसे काम करो जिससे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कल हमने पांच पदे इस वाणी के विचार किए थे और आगे आज हम छठे पद से लेकर के दसवें पद तक विचार करेंगे कि कबीर साहब जी हमें यहाँ क्या बताते हैं कि हम क्या क्या कार्य करें तो हम परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, कैसे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, क्या मार्ग है परमात्मा को प्राप्त करने का, ये कबीर साहब इस वाणी में हमें भेद की बातें बता रही हैं। तो विचार करते हैं, पांच पंच तत् विस्थार कनक कामणी जुग व्योहार। अब कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जो पंचमी होती है ना पंच तिथि स्थिति, उसमें तुम क्या करो ये बताते हैं। अब पंचमी जो होती है ना ये सारे संसार में क्या है कि आप ध्यान करो कि संसार की तरफ, ये सारा संसार जो है पंच तत्व का विस्तार है। पंच तत्व में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दूत हमारे साथ लगे हुए हैं, पंच तत्व में हमारा शरीर बना हुआ है और इसमें ही पांच दूत जो है हमें लगे हुए हैं, ये इनका ही विस्तार सारे संसार में चल रहा है, सारा संसार इनसे बंधा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बंधा हुआ है। हमारी माया जो है सृष्टि की ये सारी पंच तत्व से बनी, हमारा काया जो है पंच तत्व से बनी हुई है, सृष्टि सारी पंच तत्व से बने हुए है, पौन पानी बसंतर अग्नि पताल और आकाश, पौन पानी बसंतर आकाश और पताल पांच तत्व से ये सारी सृष्टि बनी हुई है, हमारी काया भी पांच तत्व से बनी हुई है। सारी सृष्टि में ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार व्याप्त है, हमारे शरीर में भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार व्याप्त है, इस तरह से ये पंच तत्व का विस्तार है सारा ही। और इसमें जो संसार में हम क्या करते हैं कि संसार के जीव जो होते हैं ना कनक कामणी जुग व्योहार, ज्यादा इनका व्यवहार जो रहता है वो कनक, ये संसार के लोग जो है कनक कहते हैं सोने को, चर को, भाव जो ऐसे हमारे समाज के लोग सोचते हैं कि ये हमारे काम आएगा आगे चल के, पर गुरु की कृपा से ये कनक जो है ये सिर्फ सोना जो है ना हम इकट्ठा करते हैं, इससे प्यार करते हैं, कामनी है, कामनी औरत को कहते हैं, काम में लिप्त होकर के हम इससे भी प्यार करते हैं, इसको भी एक विशेष तरह की दृष्टि जो है हमारी इसके प्रति प्यार की वो बनी रहती है। तो ये गुरु साहब कहते हैं भी ये सारे, कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ये सारे ही जग का व्यवहार है, व्यवहार के अलावा परमात्मा की भक्ति नहीं है, ये तो हम कर्म कर रहे हैं हमारे जग के गृहस्थ चलाने के लिए, तब ये इसमें परमात्मा की भक्ति नहीं होती, तो ये तो इस संसार सारा जिहड़ा है इस व्यवहार में ही फंसा हुआ अब परमात्मा को भूल जाता है, अपनी मैं मेरी करनी शुरू कर देता है और फिर क्या होता है कि ये मैं मेरी करता हुआ होमे करता हुआ और फिर ये है 84 लाख जूनियों के चक्र में फंस जाता है, जमों की मार सहनी पड़ती है इसको। पर जो परमपिता परमात्मा की शरण होकर के गुरु से नाम लेकर के परमात्मा को सिमरना करता है और उसको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमपिता परमात्मा का प्रेम रस उसको प्राप्त हो जाता है, वो आनंद रस प्राप्त करता हुआ इस जीवन में सुखमयी अपने जीवन को गुजारता है। तो गुरु साहब कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम सुधा रस पीवे कोई, जरा मरण दुख फेर ना हो,
कह रहे हैं कि जो परमात्मा के रस की प्राप्ति करता है, अमृत रस की प्राप्ति करता है, परमात्मा के परमात्मा से प्रेम करके परमात्मा को प्राप्त करता है, और फिर उसके दसवें द्वार में ये अमृत रस की प्राप्ति होती है, और जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। फिर क्या होता है कि हमारा जरा बुढ़ापा, मतलब जो है हमारा शरीर भी जो है बुढ़ापे में नहीं आता, क्योंकि परमात्मा का जब नाम होता है तो वो हमें तंदुरुस्ती बख्शी, रोगता बख्शता है। नाम जो है दुखों का खात्मा करता है, सुखों की भक्ति वृद्धि करता है। इसलिए किसी भी परमात्मा के प्यारे को जो परमात्मा का प्रेम रस प्राप्त कर रहा है, नाम सिमरण कर रहा है, उसको कभी दुख नहीं लगते, तब उसका शरीर जो है अरोग रहता और उसको बुढ़ापा कभी नहीं आता और उसको मरण का भय भी नहीं रहता। ये नाम जो सिमरण करते हैं उनको मरने का भय जो है परमात्मा खत्म कर देता है और कभी भी दुख उसको फिर नहीं आते, ना जन्म मरण आता है। जो गुरु का प्यारा हो जाता है वो परमात्मा के दृष्टि सारे कर लेता है, उसको कभी भी जन्म मरण नहीं लगता और कभी भी उसको संसार में जीवन में दुख नहीं आते, उसको सुख ही सुख बनते हैं। जो पूर्वले दुखों का हो गया वो सूल हो जाता है, ऐसा परमात्मा का नाम सिमरण का प्रदान है कि जो भी परमात्मा का नाम सिमरण करेगा उसके बड़े से बड़े दुख जो है छोटे होकर के भोग में आ जाएंगे। तो इस तरह से परमात्मा की कृपा होती है। और कबीर साहब कह रहे हैं, छट खट छट छट खट चकर छऊ दिसताए, बिन परिचय नहीं थिरा रहाए। अब कबीर साहब ये बात बता रहे हैं कि ये संसार के लोग जो है ना भूल में कर्म करते हुए परमात्मा की हम भक्ति कर रहे हैं, भ्रम में भटके हुए ही परमात्मा की भक्ति मन में उनके ऐसे होती है कि हम परमपिता परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, पर वास्तव में वो कर्म कांड होते हैं। खट चकर जो ये एक एक भक्ति का ही मार्ग है, ये इसमें क्या करते हैं कि आम भ्रम में भटके हुए लोग, सन्यासी लोग जो है इन चक्रों में पड़े रहते हैं और यही चक्कर करते हुए दसों दिशाओं में उनका मन भागता रहता है, मन उनका टिकाव में नहीं आता और ये खट कर्म करते हुए भागते रहते हैं, मन उनका कभी टिकाव में नहीं आता। और फिर गुरु साहब कबीर साहब कह रहे हैं कि बिन परिचय, जब तक नाम सिमरण करने से परमात्मा का परिचय नहीं होगा तब तक ये है ना स्थिर नहीं रहता, ये ऐसे ही चलता रहता है। उनको भ्रम लगा रहता है कि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, हम तो सन्यासी, हम तो जंगलों में बैठ करके सन्यास कर रहे हैं, खट चकर कर रहे हैं, जम ये जिसको हम कहते हैं ना योग क्रिया कर रहे हैं ये, और ऐसे चक्रों में फंस करके ये परमात्मा की भक्ति नहीं करते, इनको भ्रम लगा रहता है। और जब तक इनका पर्चा नाम सिमरण करने से परमात्मा का नाम का पर्चा नहीं होगा तब तक इनका मन जो है स्थिर रहता है। जब तक ये नाम नहीं सिमरण करेंगे मन इनका टिकाव में नहीं आएगा, मन इनका शीतल में नहीं, शीतलता में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये दुविधा में भटके हुए इनको पता ही नहीं चलता कि हम भक्ति परमात्मा की कर रहे हैं या कर्म कांड हो रहा है, दुविधा में पड़े रहते हैं। और फिर जब परमात्मा की कृपा होती है, इनको नाम मिलता है और ये दुविधा को मेट देते हैं, एक परमपिता परमात्मा पर टेक रख करके एक परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हैं नाम सिमरण करने से, तब क्या है इनकी दुविधा जो मिट जाती है और ये क्षमा को धारण करके किसी को संसार में किसी को भी बुरा नहीं कहते, फिर हर आदमी को दया दृष्टि करके कृपा दृष्टि करके क्षमा कर देते हैं। तो इस तरह से जब इनके मन में ये धारणा क्षमा की बन जाती है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर ये लोग क्या करते हैं, कर्म धर्म जो कर्म कांड की क्रिया जो है उसका जो इनको सूल बनता है, जो धर्म राय धर्म का नियम लगा करके इनको दोष लगाता है, इनको सजा लगाता है, फिर वो इनको सूल जो है कर्म कांडों की धर्मराज की तरफ से नहीं लगती, ऐसी कृपा है। गुरु साहब कहते हैं कि जहां लोभ, कबीर साहब की ही बात है, जहां लोभ तय पाप तय खेमा तय आप। जब किसी गुरु प्यारे के मन में परमात्मा की शरण धारण कर लेगा कोई और परमात्मा का प्यार उसके हृदय में आ जाएगा, तब जीवों से उसका प्यार हो जाएगा, क्योंकि उसको ये पता लगना शुरू हो जाता है कि हर जीव में परमपिता परमात्मा बसा हुआ है। तब वो परमपिता परमात्मा को प्यार करता हुआ, अगर कोई जीव आत्मा कोई मनुष्य है कोई उसका दुश्मन भी है उसको बंदा बोलता है तो वो उसको बुरा नहीं कहता, उसको क्षमा कर देता है। जब ऐसी अवस्था किसी गुरु प्यारे की क्षमा करने की आ जाती है, तब समझो कि उसके अंतर हृदय में परमात्मा प्रकट हो गया और उसको
ये करो कि हम सत्य की पहचान करें। सातवीं वाले दिन हम सत्य की पहचान करें, और फिर क्या है कि उस बाचा जान सत कर बाचा जान, सत को धारण करके, सत को जान करके हम अगर उससे बच जाए, अपने वचनों को शुद्ध कर ले, तो फिर क्या है कि कबीर साहब कहते हैं कि आत्म राम ले हो परवान। तो हमें उस राम की जो हमारी आत्मा में बसा हुआ है, हमारी आत्मा के साथ एक ही सेज पर विराजमान है, हमारे अंतर हृदय में बसा हुआ है, हमारे घट में बसा हुआ है, उसको हम आत्म राम कहते हैं। आराम जो है सारी सृष्टि का करता है, जो निरालम है, पर जो ये संसार में बसा हुआ, माया में बसा हुआ राम है, वो आत्म राम है। आत्म राम का अर्थ होता है कि जो आत्मा के संग रह करके इस शरीर के बंधनों में आता है, शरीर के हमारे खट में प्रकट होता है, उसको कहते हैं आत्म राम। वो परमात्मा का एक ऐसा स्वरूप होता है कि परमात्मा खेल खेलने के लिए इस घट में बैठ करके हमारी आंखों द्वारा ये सारी सृष्टि का खेल देखता है, और खेल आप ही खेलता है, आप ही देखता है, आप ही भोग भोगता है, उसको कहते हैं आत्म राम। तो इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि वो आत्म राम की आपको पहचान आ जाएगी, आप प्रमाण कर लोगे उसको, भाव वो आपके प्रकट हो जाएगा आपके हृदय में, और आपको उसका पहचान आ जाएगी, और आपके हृदय में रह करके आपकी आत्मा के संग ही वो खेल खेलेगा इस संसार की। तो इस तरह से छूटे संसार मिट जाहे दुख, सुन सरोवर पावो सुख। फिर क्या होगा कि आपके सारी चिंताएं मिट जाएंगी, आपके दुख सारे मिट जाएंगे, आपके रोग कष्ट। गुरु साहब अनंत साहब दे विच तीसरे पाश तीजे पाशाह गुरु अमरदास जी हमें बताते हैं, नंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार परम प्रपाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरते पूरे गुरते जानी। तो इस तरह से जब आप परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे, तब आपके संशय दुख रोग संताप कष्ट जितने भी दुविधा है, भ्रम है, वो संशय चिंता है, वो सारी आपके खत्म हो जाएंगे। और फिर आप क्या करोगे कि अपने मन को शीतल टिका में पाओगे, शीतलता को पाओगे, मन में शीतलता जब हो जाएगी तो आपके मन में सहज आ जाएगा, आपके मन में काम क्रोध लोभ वो अहंकार की अग्नि आपको कष्ट नहीं देगी, आपका मन शीतलता में आ जाएगा, किसी पर आप क्रोध नहीं करोगे, किसी पर आप बुरा नहीं करोगे, किसी का आप मंदा नहीं बोलोगे, कभी लोभ नहीं करोगे। तो इस तरह से आप संसार में रह करके क्षमा के धारणी बढ़ जाओगे, दया दृष्टि के धारणी बढ़ जाओगे, सारे संसार को सम दृष्टि देखते हुए आप सहज पद को प्राप्त कर जाओगे। और जब सहज पद प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं कि सुन समाध में, जब सुन सरोवर परमात्मा जो है सुन समाध में बैठा हुआ है, उस टाइम परमात्मा आपके इस अंतर हृदय में सुन समाध की अवस्था जब प्राप्त हो जाएगी, तब आपके हृदय में ही परमपिता परमात्मा ये प्रकट होके आपको दस्तारे देने शुरू कर देगा, और आपको फिर सुख भी आ जाएगा। जब परमपिता परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, तब परमात्मा आपके जीवन में सुख दे देगा, आपको पाप कर्मों से रहित करके, दुखों से रहित करके, आपको सुखों का भंडारा, आपको सुखों का नित्य खजाना प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आगे कबीर साहब बता रहे हैं अष्टमी को लेकर के तुम क्या करो भाई। अष्टमी जो तिथि होती है, तब क्या करो ये जानो, अष्टमी अष्ट तात की काया तामै कुल महानिद्राया। अष्टमी को तुम क्या करोगे ये जानो कि हमारी काया जो है अष्ट धातु की बनी हुई है। ये काया में सभी जो अष्ट धातुएं हैं हमारे संसार में प्रचलित है, ये हमारे शरीर में भी है, क्योंकि शरीर का और संसार का ये खेल है। जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोज है सो पावे। जो ब्रह्मंड में चीज है, जैसे ब्रह्मंड में भी पवन पानी है, हमारे में भी पवन पानी है, चंद सूरज ब्रह्मंड में भी है, हमारे भी दो सूरज है चंद सूरज है, ऐसे ही हमारे धातु भी है, और ब्रह्मंड में भी सृष्टि में भी आठों धातु जो है ये कर्म कर रही है। तो इस तरह से हमारा शरीर जो ब्रह्मंड का ही रूप है, इसलिए ये जानना है कि काया जो है हमारी अष्ट धातु की है, और अष्ट धातु इसमें समाई हुई है। लोहा
है महा परम पिता परमात्मा, खजानों का जो महा महा खजानों का जो भंडारों का राजा है वो हमारे शरीर में ही विराजमान है। पर पता कैसे लगता है, कबीर साहब कह रहे हैं गुरगम ज्ञान बतावे भेद उल्टा रहे अपंग छेद। जब हम गुरु की शरण में होकर के गुरु से नाम अमृत लेकर के गुरु की पहुंच तक प्राप्त करने के लिए, गुरु की पहुंच प्राप्त करने के लिए जब गुरु से मार्ग प्राप्त करते हैं, गुरु से नाम लेकर के उसकी जुगत धारण करके उसका मार्ग बताए हुए मार्ग पर चल के उसके रास्ते के रास्ते पर चल करके जब हम उसका नाम सिमरण करते हैं ना, तो गुरु ये ज्ञान का भेद हमें बता देता है कि इस तरह से भाई परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तब हम उस मार्ग पर चल के, क्योंकि ये मार्ग जो है जो गुरु ज्ञान का मार्ग बताता है ये मार्ग उल्टा है। जिस संसार आप जो जिस जिन आंखों से इस संसार को देख रहे हो कि आम लोग ऐसे भक्ति कर रहे हैं, आम लोग ऐसे भक्ति कर रहे हैं, आम संसार का दिखावा जो है भक्ति दिखावा है, ये संसार के कार्यों में संसार के लोगों के पीछे लग करके हमने परमात्मा की भक्ति नहीं करनी। जिसने परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी है वो संसार के कार्यों से उल्ट होगी, क्योंकि एक भेद है संसार के कार्य जो आम, ये तो लोग भेड़ा चाली है कि लोग देखा देखी जो है दिखावा करते हैं और देखा देखी और कह देते हैं अपनी बुढ़ाई के लिए कि हम तो भक्ति करते हैं, पर ये असल में परमात्मा की भक्ति नहीं होती। परमात्मा की भक्ति तो तब होती है जब रजो तमो सतो गुण तीनों को छोड़ करके इससे ऊपर हमारा मन जो उठता है, तब वहां परमात्मा की प्रेम में, प्रेम धारणा में, परमात्मा की युक्ति में परमात्मा का नाम सिमरण करता है जो गुरु से लिया हमने, तब परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के दर्श दारे होते हैं। ये तीनों रजो तमो सतो सारी माया छोड़ करके त्याग करके जब परमात्मा के चरणों में हमारी लिव लगती है ना, तब परम पिता परमात्मा हमें दर्श दारे दिखाते हैं। तो इस तरह से कबीर साहब भेद की बात बता रहे हैं कि गुरु हमें ये भेद की बात बताता है कि सच्चा मार्ग कौन सा है। जब संसार में हम संसार के मार्ग पर चलते हैं तो हमें परमात्मा की भक्ति नहीं प्राप्त होगी, परमात्मा की दर्शदारे नहीं प्राप्त होंगे। जब हम संसार से उल्ट होकर के दूसरे रास्ते पर चलते हैं जो गुरु बताता है, जो सीता है, जो परमात्मा के जानने के लिए सूक्ष्म है, सुलभ है, उस पे जब हम चलते हैं उल्टे रास्ते पर, तो वह परमपिता परमात्मा जो अभंग है, कभी नाश नहीं होने वाला, कभी मरता नहीं है, कभी जन्मता नहीं है, कभी मिटता नहीं है, सदा एक समसर रहता है, जो स्वरूप है, जो अछेद है, उसमें कोई छेद नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो पूर्ण पूरा है, पूरा है, जो पूरा है वो परमपिता परमात्मा हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से कबीर साहब हमें भेद की बात बता रहे हैं। तो आगे फिर नौमी को लेकर के, नौमी तिथि को लेकर के कबीर साहब बताते हैं क्या करो भाई। नौमी नवे द्वार को साद पोती मनसा राखो बांध। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि नौमी तिथि को मन में आप ख्याल करके क्या करो कि नौ द्वार जो हमारे शरीर में लगे हुए हैं, ये नौ द्वार क्या है? दो आंखें, दो नक, मुंह, दो कान, और इसके अलावा और जो हमारे गुप्त अंग हैं, इस तरह से ये नौ द्वार जो है ना, ये नौ द्वारों से हम क्या करते हैं कि संसार की माया को देखते हैं और इसको देख करके इसमें ललालित हो जाते हैं, लालच करते हैं, लोभ करते हैं, अहंकार करते हैं, होमे करते हैं, और ये नौ द्वारों से ही हम बाहर को देखते हैं, पदार्थों को देखते हैं, पदार्थों में लीन हो जाते हैं, पदार्थों में लालच करते हैं, लिप्त हो जाते हैं, और होमे मतलब ये हमारे पर हावी हो जाते हैं। तब क्या होता है कि हम माया के खेल में फंस करके परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते। तो ये नौ द्वार जो है, जब हम साधना चाहे ना, तो नौ द्वारों को क्या करो, बाहर जाने से रोक लो। वीर साहब ये कह रहे हैं कि नौ द्वारों को साध लो। कैसे साधे जाएंगे कि इनको जब ये आंखें हमारी बाहर देखती हैं, बुरा देखती हैं, इनको अंदर की तरफ मोड़ लो। हमारे कानों को अंदर की तरफ परमात्मा की वाणी को श्रवण करे, हमारे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा पर पूरे। जब हम ये सुनेंगे ना, सुन के हमारे अंदर कानों के द्वारा हमारे हृदय में ये बात जाएगी, तब हम परमात्मा की बात को हमारे हृदय में बसा लेंगे, तब हमें परमपिता परमात्मा के मार्ग की सूझ आएगी। तो इस तरह से जब हम ये नौ द्वारों को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और
परमात्मा की शरण में लगा देंगे सुरती को। हमारा सुरती देखो, जब सुरती ही जिसको हम ध्यान कहते हैं, ये आंखों जब देखती है ना, तो ध्यान हमारा माया की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाती है। जब ये अंदर की तरफ चली जाएंगी, अंदर ध्यान करेंगे, तो ये परमपिता परमात्मा से सीधा ध्यान हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे नौ द्वार जो है सज जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तब क्या है कि ये जितनी भी हमारी मनसाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, हम लालच लोभ लाभ अहंकार की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, ये सारे है, ये सारी बंद जाती हैं, क्योंकि मन हमारा बाहर जाता नहीं है, मन हमारा इनमें फंसता नहीं है, काम क्रोध में, लोभ मोह अहंकार में, माया में, रजो तमो सतो में। तो तब क्या होता है कि हमारा मन जो है सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से मिलन करना शुरू कर देता है। ये काम क्रोध लोग हमारे बंद जाते हैं, ये फिर हमारे पर असर नहीं करते, हमारे पर जोर नहीं करते, और ये बंद करके एक एक कोने में कठड़ी बांध करके, जैसे बांध के रख दी जाती है, इस तरह से बांध करके ये मन जो है इन पर ख्याल नहीं करता। फिर मन तो सिर्फ परमपिता परमात्मा की शरण में हो जाता है। तब क्या होता है कि लोभ मोह अहंकार काम क्रोध सारे जो है हमारे से बिसर जाते हैं, हमें हम उनको भूल जाते हैं, वो हमारे पर जोर नहीं करते। फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जब मन हमारा परमात्मा की शरण में हो गया, और जब परमात्मा की शरण में हो गया, तो इनका लोभ मोह अहंकार का, दुविधा भ्रम का, काम क्रोध का, ये जोर नहीं चलता कभी भी उस मन पर, क्योंकि वो मन परमात्मा में सम्मिलित होता है, परमात्मा की शरण में होता है, और परमात्मा का, परमात्मा के नाम का उस पर कवच होता है, इसीलिए ये इसको भेद नहीं सकती। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, फिर चुप करके आराम से एक कोने पर बैठ जाते हैं, और परमात्मा का प्यारा जो है परमात्मा के दर्श दारे करता हुआ, परमात्मा का नाम सिमरन करता हुआ, उस आनंद में अपना जीवन जीता रहता है। इस तरह से फिर भाई कबीर साहब कह रहे हैं कि जब ऐसी अवस्था आपकी बन जाएगी ना, तो फिर आपको अमृत रस की प्राप्ति होगी, अमर फल की प्राप्ति होगी। तब इस अमर फल को आप सदा ही परमात्मा की शरण में रह करके, परमात्मा के चरणों में अपनी लिव लगा करके, परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए आप ये फल को जुगो जुग जब तक आप जियोगे, तब तक उसके बाद में आने वाले युगों में भी ये भक्ति आपकी सफल रहेगी। ये खाता जो आपका जमा रहेगा आज, उसके बाद में जुगो जुगो तक, चारों जुगो तक एक भक्त कोई भक्ति करता है तो उसकी भक्ति चारों जुगो तक उसके साथ रहती है, उसकी सफलता देती है, उसको अमृत फल देती है, उसको ज्ञान प्रकाश देती है, पूर्वले जन्मों की भक्ति। जैसे नामदेव जी ने देखो क्या 5 साल की भक्ति, या हमारे गुरु साहेब 5 साल की उम्र में ही गुरुगद्दी को प्राप्त हो गए, तो ये उनके पास ये पूर्वली भक्ति थी, इसीलिए उनको परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए, इसीलिए हरकृष्ण जी को 5 साल की उम्र में ही गुरुगद्दी प्राप्त हुई। ये पूर्वली भक्ति जो है भक्त के साथ रहती है, और ये अमर फल का व्रत देती है, अमृत फल प्राप्ति देती है। तो इस तरह से सदा सुख जो है, हर तरफ से सुख संसार में उस परमपिता परमात्मा के प्यारे को मिलता रहता है, जिसने परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। तो इस तरह से भाई आगे दसवीं की बात करते हैं कबीर साहब के, दसवीं में क्या करना है भाई हमने, तो गुरु साहब कहते हैं कि दसवीं तय दिस होए आनंद, छूटे परम मिले गोविंद। जब परमात्मा की प्राप्ति होगी किसी गुरु प्यारे को, किसी भक्त को अमृत फल की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर कबीर साहब कहते हैं कि भाई दसवीं को ऐसा ध्यान करके रखो कि आपका जीवन जो है सदा ही आनंद में रहे, आपको सदा ही परमात्मा की प्राप्ति हो ही रहे। आप 10 दिशाओं में जे कहीं भी जाओ, जल में जाओ, थल में जाओ, आकाश में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको परमपिता परमात्मा आपको आनंद देगा, वहीं आपको परमानंद की प्राप्ति होगी, वहीं आपको अमृत फल की प्राप्ति होगी, वहीं आपको अमृत रस का रस प्राप्त होगा। तो कहीं भी चले जाओ, इस तरह से फिर क्या होगा कि आपका जो भ्रम है, जो भ्रम में पहले भक्ति करते थे भ्रम की, वो छूट जाएगी, खत्म हो जाएगा, और एक परमपिता परमात्मा से आपकी जो जोड़ हो जाएगा, एक परमपिता परमात्मा से आपकी लिव लग जाएगी, एक परमपिता परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा। इस तरह से आप भाई गोविंद को, गोविंद भाव परमपिता परमात्मा गोविंद को प्रामिल लोगे, और गोविंद से मिल करके आप उसके दस्तारे करते रहोगे अपने जीवन में। जीते जी आपको जीवित पदवी प्राप्त हो जाएगी, जीते जी आपको अमर पदवी प्राप्त हो जाएगी, जीते जी आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। अमर पदवी होती है जब अमर फल प्राप्त होता है, अमृत प्राप्त होता है, और सदा आवागमन जो है उसका कट जाता है। जीवित पदवी वो होती है जिसको हम जीते जी परमात्मा के दर्श दारे कर ले और परमात्मा हमारे पर बख्शा कर दे। और परम पद वो होता है जब परमपिता परमात्मा हमें प्यार करके अपना प्यारा बना ले, हमारे सारे कार्य वो सुवारे, उसको कहते हैं परम पद। इसी संसार में ही हमारे कार्य सुवारने परमात्मा शुरू करता है, और परम पद की भक्त को इसी संसार में
साहब कहते हैं कि वो ऐसी आत्मा जब हो जाती है, जब ऐसी जीवित पदवी को प्राप्त हो जाती है, परम पद को प्राप्त हो जाती है, अमर पदवी को प्राप्त हो जाती है कोई जीवात्मा, तब क्या होता है कि वो ज्योत है ना, ज्योत स्वरूपी आत्मा जो पहले ज्योत थी, जीवात्मा जब बनती है तब वो निर्मल होकर के ज्योत स्वरूप हो जाती है, और फिर ये ज्योत स्वरूप जो है ना उसी तत्व पूर्ण तत्व का, पूर्ण परमपिता परमात्मा की ज्योत है जो उस तत्व में मिलन करके उसी का स्वरूप हो जाती है, और फिर अनूप, जैसे परमात्मा अनूप है, सुंदर है, उसका कोई भी दूसरा नहीं है, वो अनूप है, उसके बराबर की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये परमात्मा की ज्योत है, जो तत्व पूर्ण तत्व है, परम तत्व है, अनूप स्वरूप है, ये हमारी ज्योत भी जो है ना परम पिता परमात्मा का स्वरूप हो जाती है। उस ज्योत में, ज्योत जब मिलती है तत्व में, परम तत्व जब मिलता है तो तत्व और परम तत्व दोनों एक हो जाते हैं, तब ये परमात्मा की ज्योत का स्वरूप होकर के ये गुरु का प्यारा परम पिता परमात्मा के दस धारे करता रहता है, परम पिता परमात्मा से उसका हमेशा मिलन रहता है, और वो परम पिता परमात्मा में ही लीन रहता है। उसके अलावा ये संसार की माया को कुछ नहीं जानता, संसार की माया तो फिर उसकी दासी हो जाती है, तब माया भी उसकी दासी होकर के उसकी सेवा करती है, संसार के पदार्थ फिर उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि उसके उसके वो परमात्मा का स्वरूप हो चुका है, और परमात्मा का स्वरूप जो परमात्मा ने माया बनाई है, परमात्मा के स्वरूप की माया जो है दासी हो जाती है, इसलिए फिर उसकी सेवा करती है परमपिता परमात्मा की। तो इस तरह से संसार में ये गुरु प्यारे का जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जो भक्त हो जाता है, जो संत हो जाता है, जो साधु हो जाता है, जो अपने मन को साध करके निर्मल करके परमपिता परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, उसकी ये माया भी दासी हो जाती है, माया भी इसकी सेवा करती है, उसकी चाकर हो जाती है, सारे संसार के लोग उसको आकर के नमस्कार करते हैं, सारे संसार के लोग उसको आकर के चरणों में माथे टेकते हैं, महापुरुष के, ब्रह्म ज्ञानी के, सब संतों के शरण में रह करके लोग अपना, और लोग भी जितने भी आते हैं वो परमात्मा का रास्ता लेकर के, सच रास्ता लेकर के उनकी शरण में आकर के परमात्मा की भक्ति करते हैं, तब वो भी, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा के ज्ञान का रास्ता जब मिलता है तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्द हो जाती है। बात यह है कि हम सच संत से, किसी गुरु प्यारे से, सतगुरु से, जब हम सच का मार्ग धारण करते हैं, सच की जुगत धारण करते हैं, और सच से प्रेम मन से सुरती से जुड़ करके करते हैं, तब वो परम पिता परमात्मा का प्रेम किया हुआ जो है हमें प्रेम प्रेम से मिला देता है, क्योंकि परमात्मा भी प्रेम स्वरूप है, परमात्मा अनुराग स्वरूप है, परमात्मा ही प्रेम का मुजस्मा है, परमात्मा ही प्रेम का पुतला है। जब हमारे अंतर हृदय में प्रेम आ जाता है तो ये वस्त्र से वस्त्र मिल जाती है, और फिर इस वस्त्र में प्रेम और प्रेम में कोई भेद नहीं रहता। तब तक वस्तु नहीं मिलती जब तक भेद होता है, जब भेद खत्म हो जाता है तब वस्तु में वस्तु मिल जाती है। इसी तरह से ज्योत में ज्योत मिल जाती है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तत्व में परम तत्व मिल जाता है। इस तरह से परमपिता परमात्मा और आत्मा जो है, ये मनुष्य शरीर जो है, ये भी शुद्ध होकर के निर्मल हो जाता है, तब भी शरीर की भी कीमत बढ़ जाती है। ये माया का शरीर, काया जो है, पंच की है, माया है, पर ये माया भी फिर शुद्ध हो जाती है, और परमात्मा की दासी को करके परमात्मा में मिल जाती है, परमात्मा के दस धारे करती है। तो इस तरह से भाई भेद की बातें हैं परमात्मा मिलने की, तो कबीर साहब ने ये भेद की बातें बताई हैं। इसमें अगर कोई किसी गुरु प्यारे को कोई गलती महसूस हो, कोई भूली हो जाती है, क्योंकि मनुष्य जो है, ये शरीर जो है, गलतियों का पुतला है, गलती होते कोई देर नहीं लगती, भूल में हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, तो अगर कोई गलती महसूस हो तो साथ संग से क्षमा याचना करते हैं। साहिब श्री गुरु ग्रंथ से हम ये बेनती करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे गुरु हैं, और गुरु की बख्शिश ऐसी होती है कि वो सारी गलतियों को माफ करके ज्ञान के मार्ग पर डाल देती है, सीधा मार्ग बता के विवेक बुद्ध की प्राप्ति करवा देती है, और फिर हम ये चाहते हैं कि गुरु साहब हमें कृपा करो, हमें और विवेक बुद्ध मिले, हमें और प्रकाश का जानन हो, हमें और ज्ञान का प्रकाश हो, इस तरह से आप कृपा करना। और गुरु परम पिता परमात्मा अकाल पुरख के अंतर्यामी जो वाहे गुरु है, उससे भी हम ये बेनती करते हैं कि हमारे सर पर मेल पर हाथ रख करके कृपा दृष्टि बनानी, अपनी कृपा दृष्टि करके हमें शुद्ध कर देना, हमें निर्मल कर देना, हमें अपने साथ मिला लेना, और